ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसी सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आपसे बोला गया आप अपने कॉलेज का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमें बना के दिखाइए, तो आप अपने कॉलेज का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाइएगा? आप शो करिएगा, सपोज करिए ये हमारा कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में यहाँ पे प्रिंसिपल केबिन है, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का केबिन है, यहाँ पे रिसेप्शन है, इधर इधर क्लासरूम है। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप बनाइएगा। कोई भी आदमी अगर आपके इस बनाए हुए ब्लॉक डायग्राम को देखेगा तो उसे आपके कॉलेज का एग्जैक्ट मतलब कैसा दिखता है वो तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसे आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत कि अच्छा जैसे कॉलेज में एंटर करेंगे तो राइट साइड में प्रिंसिपल सर का केबिन है, उसके बगल में डाटा एंट्री ऑपरेटर का केबिन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्लासरूम वगैरह हमारे पास है, ठीक है। तो एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से ये हो रहा है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जा रहा है उसके बारे में, किसी भी चीज के लोकेशन के बारे में वो कैसा उसका है। ओके, तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो हमें पढ़ना है सिग्नल्स एंड सिस्टम में, और ये बेसिकली कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग एक पेपर आता है, आपको शायद नहीं होगा अभी पढ़ना, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को है, कंट्रोल सिस्टम ये उनका पेपर है, ठीक है। उसका मतलब उसमें ज्यादा डीप से पढ़ना है। अभी हम एक इसका सुपरफिशियल नॉलेज लेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का। सबसे पहला ये आपके लिए पॉइंट है, सपोज करिए कोई हमारा सिस्टम है, ये किसी भी सिस्टम को हम ब्लॉक से शो करते हैं, ऐसे ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ से हम ये सुनील ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिस्टम का कहीं पे इनपुट है और कहीं पे आउटपुट है। आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है सुनील? आउटपुट बाय इनपुट होता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। किसी भी सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे ब्लॉक डायग्राम से, ये हमें जानना है। ओके, सपोज करिए इनपुट है या आउटपुट है और सिस्टम का गेन है, सपोज करिए कैपिटल जी, सिस्टम का गेन है कैपिटल जी। गेन कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट में आप गेन से मल्टीप्लाई करिएगा तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब गेन जो होता है वो क्या है, आउटपुट बाय इनपुट है, मतलब इसे हम गेन भी बोल सकते हैं। इसी सेम गेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि इनपुट और आउटपुट किसी सिस्टम से पास होके जाता है तो इनपुट किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी उस सिस्टम का गेन हो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं समिंग पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी दो इनपुट को या फिर किसी भी दो वेरिएबल को अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, किसी भी दो वेरिएबल पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझिए। समिंग पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं और उसमें क्रॉस कर देते हैं। सपोज करिए समिंग पॉइंट के पास दो पॉइंट है, ये इनपुट इधर से ले रहा है और इनपुट क्या है, एक और इनपुट यहां से ले रहा है, इसका इनपुट है वन, ये इनपुट है टू। इस समिंग पॉइंट के आगे है प्लस का साइन, इनपुट वन के आगे जो है प्लस का साइन और इनपुट टू के आगे है माइनस का साइन, और यहाँ पे एक होता है आउटपुट। आउटपुट आउटपुट मतलब समिंग पॉइंट के दो पॉइंट पे इनपुट आ रहा है
और एक पॉइंट से आउटपुट निकल रहा है। जरूरी नहीं कि हम इसका चौथा पॉइंट यूज करें, यूज हो भी सकता है, यूज नहीं भी हो सकता है। ओके, चौथा पॉइंट यूज हो भी सकता है और यूज नहीं भी हो सकता है। सपोज करिए इनपुट वन है एक्स, इनपुट टू है वाई और आउटपुट मिल रहा है हमें जेड, तो इस केस में हमारा जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स। एक्स क्या है? प्लस है, और वाई पे क्या हो रहा है? माइनस, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, ये समिंग पॉइंट क्लियर है? सुनील अगर यहां पे रहता प्लस तो हमें आउटपुट क्या मिलता? एक्स प्लस वाई। यहां पे रहता माइनस तो आउटपुट हमें क्या मिलता? वाई माइनस एक्स। ओके, समिंग पॉइंट क्लियर है? ओके, चलिए समिंग पॉइंट के बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है टेक ऑफ पॉइंट। हमारा टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है रिमझिम? रिमझिम टेक ऑफ का मतलब क्या है? टेक मतलब, ठीक है, टेक मतलब एक कहीं से टेक ऑफ करना। आप सपोज करिए अपने घर से कॉलेज की तरह गई, घर छोड़ के कॉलेज की तरफ बढ़ी, तो हम कह सकते हैं कि आप कॉलेज, घर से टेक ऑफ करके कॉलेज की तरफ गई। ओके, हाँ क्या ये रिमझिम? हाँ हाँ, बस यहाँ पे टेक ऑफ का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। बस टेक ऑफ का क्या है मतलब? मूवमेंट। ओके, टेक ऑफ मतलब आप कह सकती हैं मूवमेंट। टेक ऑफ पॉइंट बेसिकली इसको हम शो करते हैं, ये किसी भी लाइन से होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम, ये हमारा इधर समिंग पॉइंट था, ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा समिंग पॉइंट था, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब आउटपुट को हम कहीं और दूसरे जगह भी यूज कर रहे हैं, आउटपुट को कहीं हम दूसरे समिंग पॉइंट के इनपुट में डाल रहे हैं, ये चीज समझ रहे हैं? यहाँ पहला एक समिंग पॉइंट था, इसका आउटपुट मिल रहा है कुछ, अब इस आउटपुट को हम लेके कहीं और इनपुट कर रहे हैं, ये चीज समझिए सुनील। इस आउटपुट को लेके हम कहीं और इनपुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट, सॉरी, ये हो गया हमारा टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट मतलब जहां से कोई भी कंपोनेंट, कोई भी वेरिएबल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करे जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? अब चौथा है हमारा फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। पाथ मतलब क्या होता है रुचि? रुचि, पाथ का मीनिंग क्या होता है? रिमझिम, पाथ का मीनिंग क्या होता है? पाथ मतलब वेरी गुड, रास्ता होता है। सपोज करिए एक यहाँ पे हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है? आउटपुट। ठीक है, अब आपको जाने का दो रास्ता है। ठीक है, सपोज करिए आप अपने कॉलेज में हैं, ये रिमझिम आपको कॉलेज से जाना है, सॉरी अपने घर से, घर से जाना है कॉलेज, तो आपके पास सपोज करिए दो रास्ता है, एक चमनपुर वाला रास्ता है और एक वो जो संजय द्वार होके रास्ता है पुलिस लाइन होके, तो दोनों आपका इनपुट क्या है? आपका इनपुट है आपका घर और आउटपुट आपका क्या है? आउटपुट है आपका कॉलेज, आउटपुट है आपका कॉलेज। तो जो रास्ता
इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करे वो रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं रिमझिम? फॉरवर्ड पाथ। तो जरूरी नहीं है फॉरवर्ड पाथ एक हो, फॉरवर्ड पाथ एक से अधिक भी हो सकता है। ओके, ये क्लियर है? सपोज करें ये फॉरवर्ड पाथ को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया पी वन, ये हो गया पी टू, ये है आपका चमनपुर वाला रास्ता, ये है आपका रसीदपुर वाला रास्ता। ओके रिमझिम, चलिए ये था हमारा फॉरवर्ड पाथ। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें लूप। लूप का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, लूप लूप बताइएगा सुनील, लूप क्या होता है सुनील? लूप मतलब हाँ सी वाला ही, मतलब आप अपने जनरल लाइफ में लूप का मतलब क्या समझते हैं? जनरल लाइफ देखिए लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ सपोज करिए क्लोज पाथ कोई एक रास्ता है वो फिर से क्लोज होके फिर से जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। जैसे ये कोई रास्ता है तो रास्ता जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ रहा है। इस पॉइंट से अगर मूवमेंट होगा ऐसे बढ़ेगा, तो अगर कोई भी चीज क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ का मतलब होता है जहां से शुरू हुई थी दोबारा फिर से वहीं पे आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? लूप। जैसे आप अभी जहां पे बैठे हैं सुनील, जहां पे हैं आप गोल गोल चक्कर लगाइए, आप गोल गोल चक्कर लगाइएगा तो क्या होगा सुनील? आपने जहां से शुरू किया था आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो वो जो क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। तो क्लोज पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं लूप। ओके ठीक है, चलिए ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जांपल है, क्वेश्चन में ले रहा हूं, बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? बोर्ड विजिबल है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये किसी भी एक रिमझिम म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे एक आपको सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इस सिस्टम में क्या है, आप कहीं पे इनपुट दे रहे हैं और बीच में दो पाथ हैं G1 और G2। G1 और G2 क्या है, एक उस सिस्टम के गेन है। गेन क्या है वो मैं बता चुका हूं, गेन है G1 और G2 उस सिस्टम के गेन है। और यहां पे आप देख रहे होंगे H1, यहां पे आप ध्यान से देखिए जो G1 है वो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। और जो H1 है, H1 मान लीजिए यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, नीचे आया है, फिर ऊपर जाके फिर से घूम रहा है। देख रहे हैं ये चीज आप लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर H1 का डायरेक्शन देखें, H1 जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है सुनील? लूप बना रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो गया है, ये आपका लूप हो गया है। ओके, अब दूसरा चीज हमें देखना है, एक फीडबैक एक तरह का हो रहा है। फीडबैक मतलब आप कहीं से कुछ आउटपुट आपको फिर से इनपुट में भेजा गया। हमने फीडबैक एम्पलीफायर आप लोग पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको याद होगा
अगर आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में भेजा जाए तो उसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं, याद है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आउटपुट का कुछ हिस्सा फीडबैक करके इनपुट में डाल दिया जा रहा है। अब आपको चेक करना है ये फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक है, ये कैसे चेक होगा? तो ये चेक करने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये देखिए ये प्लस पे मिल रहा है या माइनस पे मिल रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है अभी सुनील? माइनस पे मिल रहा है, मतलब ये कैसा फीडबैक हो गया? निगेटिव फीडबैक। ओके, निगेटिव फीडबैक का जो फॉर्मूला हो रहा है किसी भी लूप को सॉल्व करने का, निगेटिव फीडबैक को जो फॉर्मूला होता है किसी भी लूप को सॉल्व करने का वो होता है गेन, ये फॉर्मूला है गेन बाय 1 प्लस गेन इनटू लूप, गेन बाय 1 प्लस गेन इनटू लूप, ये निगेटिव फीडबैक को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? गेन बाय 1 प्लस गेन इनटू लूप। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सुनील, इस पार्ट को? सुनील इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर निगेटिव फीडबैक को ये फॉर्मूला है तो गेन क्या है सुनील? गेन लिखेंगे g1 बाय 1 प्लस गेन इनटू लूप, लूप कौन बन रहा है? h1 के कारण, तो g1 इनटू h1। ये क्लियर है सुनील? अब ये जो आया हमारा फॉर्मूला इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके चलिए, तो इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए अब आप लोग, इसके बदले हम क्या लिख देंगे? g1 by 1 plus g1 at 1, क्लियर है ये चीज क्लियर है? अभी ये हमने कैसे रिप्लेस कर दिया उस ब्लॉक को नए ब्लॉक से? ओके अभी देखिए, अब ये आपस में क्या हो रहा है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो जब भी कोई चीज सीरीज में रहे तो वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सीरीज में रहने से कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, और पैरेलल में रहेगी कोई चीज तो क्या हो जाएगी? ऐड। सीरीज में मल्टीप्लाई, पैरेलल में ऐड, तो ये दोनों क्या चीज में है आपस में? सीरीज में है, तो इसको अब हम क्या कर देंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया? इतना आया कि नहीं? मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया संजीत? ये समझ रहे हैं संजीत? यस संजीत, जी नहीं नहीं अरे दिस इज नॉट रजिस्टर, दिस इज नॉट रजिस्टर, आपको रजिस्टर ये नहीं है संजीत, ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक डायग्राम फॉर्मूला का ये क्या है? एक रूल है, रूल है कि जब भी दो ब्लॉक सीरीज में रहेंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, जब भी दो ब्लॉक पैरेलल में रहेंगे तो ऐड होंगे। ओके तो इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला हमें, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे g1 g2 by 1 plus g1 h1। ओके ये हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब और तो कहीं ब्लॉक नहीं है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है कि नहीं सुनील? अब ये और सॉल्व नहीं होगा, ये क्लियर है रिमझिम आपको ये टॉपिक? संजीव
चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। विजिबल है बोर्ड, यहां पे ध्यान दीजिएगा सुनील संजीत रिमझिम, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, ओके दिस इज माइनस दिस इज प्लस, यहां पे कौन सा फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक, यहां पे कौन सा फीडबैक है, चलिए बनाइए अब आप, ये मैंने हिंट दे दिया है, सॉल्व करिए। सुनील बन रहा है, हाँ सुनील, हाँ पॉजिटिव में नीचे माइनस हो जाता है, ओके डेनोमिनेटर में माइनस होता है, निगेटिव में डेनोमिनेटर में प्लस होता है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। सुनील संजीत बना, नहीं बना कि नहीं बना, चलिए रिमझिम बन गया रिमझिम, चलिए देखिए रिमझिम ये पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक, पहले लूप में निगेटिव का कैसे इसको रिप्लेस किससे करेंगे रिमझिम, बाबू निगेटिव फीडबैक में डेनोमिनेटर में प्लस करते हैं, ओके तो ये आपका हो जाएगा पहले वाला जो निगेटिव फीडबैक है वो हो जाएगा g1 बाई 1 प्लस g1h1, ओके और यहाँ पे इसको किस इसको किससे रिप्लेस करेंगे रिमझिम, हाँ इसमें नीचे क्या रखेंगे G2 G2 1 plus G2H2, अब ये दोनों आपस में क्या में है रिमझिम, बाबू सीरीज में है ना दोनों कनेक्टेड है, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे दोनों बाय हो जाएंगे, मतलब G1 G2 बाय 1 प्लस G1H1 1 प्लस G2H2, ये हमारा इस ब्लॉक से रिप्लेस हो जाएगा, ये समझे कि नहीं सभी लोग, इसके बजाय ये लिख देंगे संदीप, कितना आंसर आया था आपका, ओहो वेट 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 पॉजिटिव में माइनस होगा, सॉरी सॉरी नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में नीचे माइनस होगा रिमझिम, ओके हाँ सुनील,
हाँ बिल्कुल सुनील, लेकिन यहाँ पे G1H1 है, यहाँ पे G2H2 है, इस चीज को दिमाग में रखिए, दोनों में डिफरेंस है ना। चलिए ओके, तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का फायदा बता सकते हैं आप लोग, दो फायदा सुनील सुनील। मतलब आपको आपको सिस्टम का थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि हाँ सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा कितना गेन दे रहा है। ओके, तो आपको क्या मिल जाता है, एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज पहला आपको मिल जाता है ओवरव्यू, ओवरव्यू किसी सिस्टम का कैसा है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका एडवांटेज है, दूसरा क्या एडवांटेज हो सकता है सुनील संजीव। ये निकालने में मतलब ये इसका एक फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ओके, और अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये यूनिक नहीं होता है। यूनिक मतलब एक ब्लॉक डायग्राम का जो गेन आया, जरूरी नहीं है कि दूसरे का वो ट्रांसफर फंक्शन नहीं आएगा। ये क्या होता है, नॉट यूनिक, ये क्या होता है, नॉट यूनिक। नॉट यूनिक मतलब समझे सभी लोग। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे इसको कनेक्शन कहाँ से मिला है, पावर कनेक्शन कहाँ से मिला है, ये आपको पता नहीं चलता है। मतलब क्या, इंटरनल कनेक्शन कहाँ कहाँ से है वो आपको पता नहीं चलता है। पावर कनेक्शन इनर्जी, आप बोल सकते हैं इनर्जी, इनर्जी सप्लाई आपको पता नहीं चलता है। ओके, इनर्जी सप्लाई आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत से हिडन कनेक्शन शो नहीं किए जाते हैं। हिडन कनेक्शन, नॉट शोन, हिडन कनेक्शन जो है वो शो नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम का ये हो गया एडवांटेज और ये हो गया इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए या फिर ब्लॉक डायग्राम कोई दे दिया जाएगा उस पे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और एक असाइनमेंट दे दीजिए आप ब्लॉक डायग्राम की प्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम सॉल्व का। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के लगिएगा। बोर्ड विजिबल है, ये क्वेश्चन उतार लीजिए और आपका असाइनमेंट है कि इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। रिमझिम, अच्छा ये पहले आप लोग कॉपी करिए, इस क्वेश्चन को कॉपी करिए। यहाँ पे G1 है, यहाँ पे G2 है, यहाँ पे H1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे G3 है, फिर G4 है और यहाँ पे H2 है। ये निगेटिव में इनपुट हो रहा है और ये पॉजिटिव में इनपुट हो रहा है।
आपके लिए सबसे ध्यान रखने की बात है ये चेक करना कि कब पॉजिटिव मिल रहा है, कब निगेटिव मिल रहा है। ओके रिमझिम रिमझिम इसको स्टेप क्या होगा स्टार्टिंग का सॉल्व करने का, हाँ नहीं रिमझिम देखिए G1 और G2 आपस में कैसे कनेक्टेड है रिमझिम, पैरेलल में कनेक्टेड हो ब्लॉक तो क्या हो जाते हैं रिमझिम, तो ये क्या हो जाएगा इसको रिप्लेस किससे कर दीजिएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिमझिम, ठीक है मतलब समझ गए ना, यहाँ पे ब्लॉक पहले ऐड कर दीजिए, पहले ब्लॉक ऐड करिए फिर लूप का काम करिए, और यहाँ पे सीरीज में है रिमझिम तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में फिर लूप का काम करिए, समझ गई कैसे बनेगा, ये क्लियर है संजीत सुनील क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को बना के लाइए और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन गेन फॉर्मूला। यहाँ पे हमें ब्लॉक डायग्राम के कुछ डिसएडवांटेजेस मिले हैं ना संजीत, तो उस डिसएडवांटेज को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे ये हमें बताएंगे मेसन नाम के साइंटिस्ट ने इस ब्लॉक डायग्राम को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था जिसका नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। इस मेसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ब्लॉक डायग्राम को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था जिसे हम बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, और सिग्नल फ्लो ग्राफ पे इन्होंने जो थ्योरी दिया था जो फॉर्मूला डिराइव हुआ उसे बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके आपका असाइनमेंट ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आपको जो भी इस तरह के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के प्रॉब्लम मिलते हैं उसको बनाइए। ओके ठीक है, तो आज का क्लास कंक्लूड करते हैं, चलिए थैंक यू।